अस्सलाम वालेकुम, दारिर कम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूँ आपका मैथ का टीचर। आज ग्रेड फाइव की मैथ हम पढ़ रहे हैं। ग्रेड फाइव की मैथ में आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 30, ठीक है, नंबर्स प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में कुछ लॉज जो कि इस स्पीच पे हमें गिवन है, जो कि आगे हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स और टू फोल्स का टॉपिक है उसमें हमें काम आएगा, उसके लिए हम इसको आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये लॉज हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं, इस क्लास में यानी फाइव क्लास में, फोर क्लास में आपने पढ़ लिए थे, थ्री में पढ़ लिए थे, अब फाइव क्लास में आपको इसका सिर्फ रिविज़न दिया गया। सबसे पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या स्टेट करता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टेट डेट द रिजल्ट रिमेन द सेम इवन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ये कह रहा है कि जब हम किसी वैल्यूज़ को, कुछ वैल्यूज़ को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर का यानी उसके आंसर पे इसकी ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम देख लेते हैं कॉपी पे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ली 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब दोनों का ऑर्डर चेंज है, मैं देखता हूँ 6 4 24 4 6 24। यानी कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ सही कह रहा है कि जब हम आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। ठीक है, इसी तरह हम एडिशन के लिए देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन के लिए मैं देख लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6, आंसर 6 और 4 10, 4 और 6 10, एडिशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए भी ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है, यानी नंबर्स का उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके ऑर्डर का। नंबर्स आप किसी भी ऑर्डर में लिखें आंसर सेम रहेगा, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। ऐड करते वक्त अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट डेट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली द रिजल्ट विल बी द सेम। ये कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि जब हम एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ नंबर्स की, तो अगर हम उनको, यानी पहले तो हमने देखा कि दो नंबर्स है, अगर तीन नंबर्स हैं तो तीन नंबर्स के लिए भी कह रहे हैं अगर आप इनकी ग्रुपिंग चेंज भी कर दें तो भी आपका जो है रिजल्ट सेम आएगा। ग्रुपिंग से क्या मुराद हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं, मैंने लिखा 4 प्लस, ठीक है, फिर मैंने लिखा 6 प्लस 2, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 4 प्लस 6 प्लस 2, यानी इसका मैंने ग्रुप बनाया 4 का अलग और 6 और 2 का एक साथ। फिर मैंने ग्रुप बनाया 4 6 का अलग और 2 का उससे अलग कर दिया। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, पहले मैं ब्रैकेट वाली सॉल्व करूँगा, ज़ाहिर है 4 और 2 8 और 4, ठीक है, 4 और 8 12, यहाँ देख लेता हूँ 4 और 6 10 प्लस 2 10 और 2 12, प्रूव हो गया। इसी तरह जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसी के अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, यानी पहले अगर मैं ब्रैकेट वाली को मल्टीप्लाई करूँ 6 2 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 4 12 4 48। इस तरह अगर मैं यहाँ करूँ 4 6 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 24 2 क्या होता है 48। तो
हमने देख लिया कि एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल ट्रू है, यानी कि आप ग्रुपिंग किसी भी तरीके से कर लें, जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर सेम रहेगा अगर आपकी वैल्यूज़ सेम है, चाहे आप मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर आपकी साथ हो जाती। इसमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी तो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। ये लॉ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है। हम यहाँ कर लेते हैं एडिशन का, यहाँ कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। मिसाल के तौर पर मेरे पास तीन वैल्यूज़ है, 4, 2 और 6। ये मेरे पास तीन वैल्यूज़ है, मैंने ये तीन वैल्यूज़ एज्यूम किए, जैसे इसने यहाँ एज्यूम की ए बी सी, मैं यहाँ पे तीन एज्यूम कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि अगर आप ए यानी 4 मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 6, पहले हम एडिशन देख रहे हैं, यानी इनमें से आप दो वैल्यूज़ को ऐड करें फिर तीसरी से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप जो है वो इस तीसरी वैल्यू यानी ए को जो 4 है हमारा, 4 को प्लस करें 2 से, फिर 4 को प्लस करें 6 से, और फिर आपस में इन दोनों को आंसर को मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम देख लेते हैं 4 8 ज़ा 36। अब हम यहाँ देख लेते हैं 4 6 10। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस का निशान बीच में और 4 6 ज़ा 24। अब 24 और 8, 24 और 8 क्या हो गया 32, 4 8 ज़ा 32, 24 और 8 32। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन प्रूव हो गया। इसी तरह अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 करें, या हम 4 मल्टीप्लाई 2 करें और 4 मल्टीप्लाई 6 करें और इनके आंसर को आपस में माइनस करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम देख लेते हैं 4 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2, आपके पास क्या होता है 2 माइनस 6 यानी माइनस 4। माइनस 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24। अब 8 माइनस 24 हमारे पास हो गया माइनस 26। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस होती है तो हमारे पास क्या आता है, सब्ट्रैक्शन का साइन आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ हमने देख लिया। कम्युनिकेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम है यानी ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को अगर हम डिफरेंट ऑर्डर पर रख के मल्टीप्लाई या ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ पे हम तीन नंबर्स को लेते हैं, अगर हम डिफरेंट ग्रुपिंग करके अगर उसको हम ऐड या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि अगर आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू की ग्रुप से, यानी आप ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से, या आप ए मल्टीप्लाई बी करें, ए मल्टीप्लाई सी करें और इसको आपस में ऐड कर दें तो आपका आंसर सेम आएगा, या उसको आपस में माइनस कर दें तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हमारे पास तीन लॉस थे, ये आपके आगे जो आपके अगले नेक्स्ट डे वाला काम है उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट डे में काम है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3
एक्सरसाइज 1C का ये आपका अगले दिन का काम है, तो इसमें आपके ये लॉस जो बहुत काम आएंगे, तो इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा कि इन लॉस पे बहुत मेहनत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।